हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस, फार्मिंग सिमुलेटर 23 के एक और गेम प्ले में आप सबका वेलकम है। आज के गेम प्ले में हम लोग जो है वो फार्मिंग सिमुलेटर 23 में कॉटन को प्लांट करेंगे, इसको हार्वेस्ट करेंगे और इसको सेल भी करेंगे। एंड लेट्स सी कि कितने पैसे हमें मिलते हैं कॉटन के बदले में फार्मिंग सिमुलेटर 23 में। सो ये रही जी हमारी हार्वेस्टर, और आप लोगों ने ऑलरेडी हार्वेस्टर फार्मिंग सिमुलेटर 20 में देख रखी है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस यही है कि थोड़ा सा इसका मॉडल जो है वो ज़्यादा HD में है, और वो भी शायद हो सकता है, मुझे ही लगता हो आप लोगों को ना लगे, बट एनी वेज यू गाइज आर द जजेस हेयर। और इसके बाद हमें ये ऑफ कोर्स बेल पिकर चाहिए था। सो इसके बाद हमने जो है यहाँ पे चाहिए ये वाला एक कल्टीवेटर विच इज़ दिस वन, और एक प्लांटर विच इज़ दिस वन। सो गाइज सेटअप हमारा हो चुका है पूरा, एक प्लांटर, कल्टीवेटर, बेल पिकर और बेल हार्वेस्टर। सो अभी हम लोग जो है वो सबसे पहले इस नीले नीले ट्रैक्टर के पीछे ये नीले नीले कल्टीवेटर डाल के जो है वो अपने फील्ड में लेके चलते हैं, जहाँ पे हमने जो है वो कॉटन प्लांट करनी है। वैसे मैंने कोई जानबूझ के इसका कलर मैच नहीं किया, खुद ही हो गया। सो अब हो गया है तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं ये कम्बिनेशन जो है वो ख़राब नहीं करना चाहता। यहाँ पर जो है वो हम कर देते हैं जी स्टार्ट इसको कल्टिवेट करना। गुड गुड गुड। सो ये मेरे ख्याल से वो एक ट्रू कल्टीवेटर टाइप कोई चीज़ है। मतलब एक कल्टीवेटर होता है उसमें वो है ना, ऐसे लगता है कि बस ऊपर ऊपर वाली ज़मीन को जो है वो मतलब कि उसमें से गाइस कुछ कुछ ना येलो येलो से स्ट्रा टाइप चीज़ नज़र आ रही होती है, बट इसने तो देखो बिल्कुल टोटली प्लो वाली जो है वो फीलिंग दे दी, विच इज़ रियली गुड। सो गाइज अब यहाँ पर इस प्लांटर में हम लोग जो है वो सीड भी भर लेते हैं, और गुड थिंग कि इसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र भी डलता है, तो मुझे जो है वो फर्टिलाइज अलग से करने की ज़रूरत नहीं। ऑलराइट, सो इसका गाइज है ना थोड़ा सा अजीब सा मतलब पंगा है कि ये कनेक्ट एक साइड से होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए एक साइड से कनेक्ट करना पड़ता है, वर्क के लिए जो है वो दूसरी साइड से कनेक्ट करना पड़ता है। सो मुझे नहीं पता कंपनी के माइंड में क्या चल रहा था, बट उन्होंने ऐसे ही बनाया तो हम इसको ऐसे ही जो है वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर जी हम यहाँ पर कॉटन प्लांट करने जा रहे हैं, और अभी तक वैसे मैंने ना प्लांटर यूज़ नहीं किया इस गेम में, सो मुझे नहीं पता प्लांटर का जो है वो टेक्सचर किस तरह से होता है। सो फर्स्ट टाइम जो है वो मैं यहाँ पे इसका टेक्सचर देखने जा रहा हूँ। वाह 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 वाह, नो सीरियसली गाइस, वाकई इसका टेक्सचर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब आप लोग खुद भी देख सकते हो, मुझे तो ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा है। आप लोगों का मुझे नहीं पता, बट या ट्रस्ट मी गाइस, ये वाकई में बड़ा सेटिस्फाइंग है। वाह, और ख़ास कर ये जॉन डीयर का 7R ट्रैक्टर, भाई क्या ही बात है इस ट्रैक्टर की। आप लोगों में से किस किस का ये फेवरेट ट्रैक्टर है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और काफ़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक्टर है, हॉर्स पावर भी इसकी अच्छी है, परफॉर्मेंस बिल्कुल VVIP। और यहाँ पर जो है अभी हम चलते हैं। यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा आप लोगों को नज़ारे देने के लिए NST ट्रैक्टर के हेल्पर हायर कर दिया है। मुझे पता चला था कि यहाँ पे भी न्यू हॉलैंड के भी बहुत ज़्यादा फैंस हैं यहाँ पे, सो मैंने सोचा वो लोग फ्रेंडली ना हो जाएं तो T8 जो है वो भी दिखा दूँ। और वाकई में ये ट्रैक्टर भी भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक्टर है, और हॉर्स पावर भी इसकी अच्छी खासी है। और इस दफ़ा तो है भी हमारे पास ये न्यू हॉलैंड का एक बड़ा ट्रैक्टर, सो आई हैव नो कम्प्लेंट सो फार।
राइट गाइस, तो यहाँ पे हार्वेस्ट होने को तैयार है हमारी कॉटन, और ये हार्वेस्टर भी मैंने यहाँ पे ला कर जो है वो बिल्कुल रेडी खड़ी की हुई है। तो जल्दी जल्दी से गाइस हम यहाँ से हार्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं जी कॉटन को, और फिर उसके बाद जो है वो जब ये बेल निकालेगी तो उसको फिर हम लोग जो है वो सेल कर आएंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि तब तक वो मंथ भी आ जाए जिसमें कॉटन की हमें सबसे बेस्ट जो है वो प्राइस मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, आप लोगों ने फार्मिंग सिमुलेटर 20 में इसको ऑलरेडी देखा होगा कि किस तरीके से ये हार्वेस्टर जो है वो काम करती है, को बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं इसमें, सेम टू सेम डिटो ये कॉपी हार्वेस्टर है ये वाली, तो बिल्कुल फार्मिंग सिमुलेटर 20 जैसी। हाँ एक चीज़ फ़र्क है, वो है ये कॉटन के प्लांट्स, मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये है ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है इनका टेक्सचर, आप लोगों का मुझे नहीं पता, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको भी ऐसे लगता है या सिर्फ मुझे ही लगता है। तो मेरे नज़दीक ये टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव है। सो गाइस जल्दी जल्दी से इसकी बेल निकालते हैं, और मैं यकीन करो गाइस यहाँ पे एक घंटे से वेट कर रहा हूँ इसका, और ये हार्वेस्टर आके बेल निकालने का जो है वो नाम ही नहीं ले रही। अरे निकाल दे बहना, क्या करेगी तू, निकाल दे जल्दी से। ओके गाइस फाइनली मुझे लगा मुझे फार्मिंग सिमुलेटर 25 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन मुबारक हो आप सबको, बेल जो है वो निकाल दी है इस हार्वेस्टर ने, काफ़ी बड़ी बेल है वैसे, इतना तो टाइम इसका जो है वो बनता था, खुद बेचारी वैसे सारी की सारी खाली हो गई, लेकिन चलो हमें तो बेल दे गई है। एनीवेज तो अभी जल्दबाजी में मैं मतलब कि कोई नहीं करूँगा, तो यहाँ पर पहले इसके ऊपर हेल्पर हायर कर देते, यहाँ पे पहले ही इतना वेट कर लिया, थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे मज़ीद वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये ट्रैक्टर में कब से यहाँ पे ला के खड़ा किए हुए हैं कि अब ये बेल निकालती है, और भाई इसने तोबा करवा दी है मेरी, तो अब फाइनली जो है इसने ये बेल निकाल दी है। सो इसको उठाते हैं गाइज और ले कर चलते हैं हम जिस स्पिनरी के ऊपर, लेट्स सी कि कितना मूला मिलता है इतना खप खपाने के बाद। और खपने की ज़रूरत नहीं है, आप हेल्पर भी लगा सकते हैं, बस मैं भी एक्साइटेड हो रहा था। तो गाइस यहाँ पे हम जा रहे हैं जी स्पिनरी, क्योंकि वहीं पे हमें जो है वो इसकी बेस्ट प्राइस मिल रही है, सो वहाँ पे चल के जो है इस बिल को अनलोड करके देखते हैं कितने प्राइस। स्पिनरी अबे यार ये कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है ना ट्रिगर, अभी तेरी ये तो खुद ही ओ भाई साहब यार ये तो खुद से ही मतलब डिटेक्ट करके इसने उतार दिए बिल। पुश करता हूँ इसको थोड़ा सा, अबे यार सेल होनी शुरू हो गई थी, डैम इट मैंने इसको और ज़्यादा धकेल दी। दोबारा से इसको उठाते हूँ गाइस और दोबारा से अनलोड करने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करूँगा कि इस बार बिल्कुल पॉइंट पे आए, कसम से खपा दिया यार इसने तो, मतलब अजीब ट्रिगर बनाया हुआ है इन्होंने। हो गए फाइनली गाइस 31,000 में पहले मिले हैं याद रखना, और 49,000 OMG भाई टोटल 80,000 मिल गए एक बेल के, व्हाट द हेल। सो गाइस बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ये कैसा लगा गेम प्ले, और कॉटन की प्राइस के मतलब आप लोग क्या सोचते हो, और वीडियो को लाइक करते जाना, और या मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।